डीसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कल रात से मेरे पास फोन आ रहे हैं। देखिए, रांची में अब टोटल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 6 एक ही परिवार के हैं। सभी 7 रिम्स के आइसोलेशन और उसके हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में हैं। हम लोगों ने उन जो कल 5 लोग पॉजिटिव हुए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है, और उनसे जो जो संपर्क में आए थे उन सभी का हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। इस सभी चीज में यह समझना जरूरी है कि जितने लोगों को हम लोग सैंपलिंग करा पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। आपके माध्यम से मेरा यही अपील है, मेरी यही अपील है सभी रांची वासियों को कि अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम है, आप बाहर से आए हैं, आप किसी भी कंडीशन में इनके टच में आए थे, तो कृपया तुरंत हमको 1950 पे सूचित करें, जिससे कि हम आपकी सैंपलिंग करा सकें और जरूरत पड़े तो स्वैब ले सकें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, हर आपको सेवा मुहैया कराई जाएगी। हिंद पीढ़ी के एरिया को अगले 72 घंटे के लिए और सील किया जाता है, इसके बारे में एसएसपी साहब और एसडीओ साहब बताएंगे। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि हिंदपीढ़ी में टोटल लॉकडाउन की स्थिति है अभी, और यहाँ पे जितने भी यहाँ से निकलने वाले मार्ग हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे फोर्स मैजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। जितने भी यहाँ के गली मोहल्ले हैं सब में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। ये इसलिए किया गया है कि लोग घरों से ना निकलें, जो भी आवश्यक वस्तुएँ हैं चाहे वो दवा की हो या खाद्य सामग्री हो वो उन तक पहुंचाई जा रही है। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स ही इसमें सक्रिय है जिनको विशेष एहतियात के तहत अपने आप को संक्रमण से बचाए रखते हुए ये डिलीवरी सुनिश्चित करनी है। 4 ड्रोन लगाए गए हैं ताकि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा सके, लोगों का इसमें पूरा सहयोग भी मिल रहा है। आज जो मामले सामने आए हैं उसके बाद जो उनके निकट संपर्क में लोग आए थे उनकी भी स्क्रीनिंग की और टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, और अगले 72 घंटे के लिए ये जो टोटल लॉकडाउन है, सीलिंग है, वो चालू रहेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स। देखिए, पहले से ही पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी थी, जिसकी अलग अलग शर्तें थी, लेकिन हाल में जो एक ही एरिया से सभी पेशेंट्स आए हैं, इसलिए जो वार्ड नंबर 21-22 थे, जो हिंदपीढ़ी क्षेत्र है, उसमें हम लोगों ने 144 का एक रिवाइज्ड ऑर्डर निकाला है, जिसमें कंडीशंस हैं कि किसी का भी घर से बाहर निकलना वर्जित है, सभी प्रकार की आवश्यक सामग्रियों की, राशन की, दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी, जिसके लिए वॉलंटियर्स हैं, सभी प्रकार की गलियां जो हिंदपीढ़ी में जाती हैं वो साधारण यातायात, आम यातायात के लिए बंद रहेगा। अकारण कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, इनफैक्ट कोई नहीं निकलेगा, अगर निकलता है तो जो भी धाराएं हैं उसके सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ उन्हीं दुकानों से जिनसे वॉलंटियर सामान लेकर घरों तक पहुंचाएंगे वही कुछ देर के लिए खुलेगी, बाकी टाइम के लिए वो पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा जिनको मेडिकल टीम के द्वारा होम क्वारंटाइन का आदेश किया गया है वो लोग होम क्वारंटाइन ही रहेंगे, और जिनका भी टेस्टिंग या सैंपलिंग मेडिकल टीम के द्वारा किया जाएगा वही घर से बाहर आएंगे, सैंपलिंग देंगे और चले जाएंगे, और इसमें यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाएगी तो उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। देखिए, बहुत जिस दिन से लॉकडाउन घोषित हुआ है 70 के करीब प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं और अलग अलग थाना क्षेत्रों में। उसके अलावा जो बाइक्स पे अनावश्यक इधर उधर घूमते हुए पाए गए हैं उनको चालान भी काटा गया है, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जो फोर्सेज हैं वो लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, सभी चौक चौराहों पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे माइक से भी ये अनाउंस किया जा रहा है, और जितने भी हाट बाज़ार हैं, सब्जी बाज़ार हैं, बैंक्स हैं, उनके बाहर भी जिस समय भीड़ लगने की संभावना रहती है प्रतिनियुक्ति की जाती है, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खरीदारी करें। अभी 10 बजे से, आज 10 बजे से अगले 72 घंटे, आज से अगला 72 घंटे जी। देखिए, हेल्पलाइन नंबर का मैं नंबर बता देता हूँ, 8434086928। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेल्पलाइन का नंबर है, 24 घंटे चलता है, यहीं पे कमांड कंट्रोल सेंटर में एक मजिस्ट्रेट फोर्स सिविल सर्जन की एक टीम डेप्यूटेड है, 8434086928। और दूसरा नंबर है 1950। दोनों ही नंबरों पे 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो हिंदपीढ़ी के लिए केवल है, 1950 जनरल हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी असुविधा होने पे इस नंबर पे फोन किया जाता है। हिंदपीढ़ी को तो सील कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो क्षेत्र है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र की बात की हो, वहाँ पे तो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, भीड़ देखा जा रहा है। अगर ऐसा कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया, जैसे कि SSP साहब ने बताया 70 से अधिक कार्रवाई हो चुकी है और भी कार्रवाई होगी। देखिए, उसमें ये जो हम लोग आसूचना संकलन करते हैं, बहुत से हमारे जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं के द्वारा भी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसीलिए सभी नंबर्स हम लोगों ने ऑन रखे हैं। कहीं पे भी शिकायत आती है, हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, पेट्रोलिंग टीम्स हैं, वो लगातार शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर, जैसे कल कुछ बैंक्स के बाहर शिकायतें आई थी तो उसके बाद आर्ली उनको रिपोर्ट करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। हर घंटे में सभी थाना प्रभारी किन किन बैंक्स का, किन किन हाट बाजारों का निरीक्षण करके आए हैं, क्या क्या कार्रवाई की है, उसकी वो रिपोर्टिंग करेंगे। ये व्यवस्था इसीलिए और सुदृढ़ की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन का अनुपालन करें, और यदि कहीं पे कोई शिकायत आती है उल्लंघन की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ड्रोन से भी नजर इस क्षेत्र में खासकर रखी जा रही है, 4 ड्रोन लगे। देखिए, उसमें वही है, मैं जैसा आपको पहले भी बताया, जो चिन्हित, इसमें भी जो चिन्हित हॉटस्पॉट्स है, जैसे जो बड़े सब्जी मंडी है, बड़े सब्जी बाजार है, उनमें किस तरह से बाजार को लेआउट करना है ताकि वहां पे स्वतः लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। आपके माध्यम से भी हमें जो जानकारी मिली है, हमारे अपने स्टोकों के माध्यम से भी जानकारी मिली है, उसका भी हम लोग कड़ाई से अनुपालन करवाएंगे और ये प्रक्रिया हम लोग लगातार जारी रखेंगे। तो
देखिए उसका टेस्टिंग के लिए गया हुआ है, उसके बाद ही उसने कोई अपडेट किया। कि अगर आपके माध्यम से एमपीडी की जनता से और राज्य की आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को यह पता है कि उस परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में वो आया हो या उनको पता हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उस परिवार के सदस्य के संपर्क में आया तो उसका पता और दवाई जमा अवश्य उपलब्ध उनका टेस्टिंग। देखिए आपके माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे कि सभी लोगों सभी रांची वासी कृपया मास्क पहने, ये एक अपील है। अभी मैंने किसी को देखा यहाँ पे जिन्होंने अपना मास्क उतारा, नाक छुई, उसके वापस मास्क पहन लिया, वो मास्क पहनने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कृपया मास्क पहने। दूसरा, जैसे सिविल सर्जन साहब ने अपील दी है कि अगर किसी को मालूम है कोई खुद संपर्क में आया तो देखिए आपके हित के लिए भी, आपके परिवार के हित के लिए भी और रांची के हित के लिए भी आप सामने आए। धन्यवाद। अभी उस पर पंजाब में किया है, अन्य स्टेट्स में किया गया है, हम लोगों ने अपील की है।